it's about 7 friends who go to Goa. वहाँ पे एक हादसा हो जाता है और one is dead, 5 are missing, and I'm found, and it's the story of me helping Pawan sir actually unraveling the story with my help. करण, तो पहली फिल्म है ये आपकी, तो कितना मुश्किल था आपके लिए ये किरदार? बहुत मुश्किल था. 2 साल एक्टिंग स्कूल में थिएटर वगैरह बहुत कुछ करने के बाद भी एक प्रोफेशनल स्टेज पे अलग हो जाता, काफ़ी अलग है. मतलब यू लर्न न्यू थिंग्स ऑन अ प्रोफेशनल सेट, जैसे इसके लिए रिहर्सल नहीं होता, सेट पे कैसे होगा वो एक्सपीरियंस नहीं रहता. इट्स स्टिल माय फर्स्ट फिल्म, तो मुश्किल तो था, पर पवन सर के साथ, अभिषेक सर के साथ, उनकी मदद के साथ हो पाया. तो थोड़ा कैरेक्टर के बारे में आप बता दीजिए, किस तरीके के कैरेक्टर निभा रहे हैं आप? इस किरदार का नाम लक्ष्य है और काफ़ी इनोसेंट है, काफ़ी इंटेलिजेंट है. पर क्या होता है, एक डर है इसके अंदर थ्रू आउट द फिल्म. ही इज ऑलवेज इन पेन एंड सैड, दैट बिकम्स डिफिकल्ट टू मेंटेन. अगर आप 20 दिन शूट पे हो, स्केट पे हो, और हर दिन आपको मतलब एक मूड में रहना, इट्स यू हैव टू बी सॉम्बर. सो इट्स आफ्टर 20 डेज ऑफ कॉन्स्टेंटली बीइंग, मतलब हर दिन रोके सेट पे आना पड़ता है. बहुत चैलेंजिंग, बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कैरेक्टर. कुछ और डिफरेंसेस भी आपने, मतलब कि इस तरह की फिल्म और भी आई है कि कई फ्रेंड्स की जो घूमने जाते हैं, देन जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा. मैं, मेरा आदत है, मैं रेफरेंसेस यूजुअली नहीं यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो क्या होता है कि किरदार के बीच में आता है, गेट्स इन द वे. क्योंकि फिर आप इमिटेट करना शुरू करते हो कि मैंने वो पिक्चर में ये देखा तो मैं ये करूँगा. कभी कभी ऐसा होता है, नॉट सेइंग दैट आप कुछ सीख नहीं सकते दूसरे पिक्चर देख के, नो, बट व्हाट हैपेंस इज आई वांट टू शो समथिंग डिफरेंट. तो वो देख के क्या होता है कि शायद मैं वो क्रच करके, यूज़ करके मैं वो इस्तेमाल करूँगा, तो फिर आई वॉन्ट बी एबल टू शो केस वट आई वॉन्ट टू शो केस फॉर दिस कैरेक्टर. वो डिफरेंट नहीं रहेगा फिर, इट माइट जस्ट बिकम द सेम. देखो, मैं मतलब व्हेन आई डिड दिस फिल्म, मैंने नहीं पिक्चर नहीं चुना, ये पिक्चर ने मुझे चुना. मैंने आया अभिषेक सर ने, मैं पहले से जानता हूँ अभिषेक सर को, और जब मैं उनसे पहले मिला मैं कुछ 100 किलो का करीब था. तो सर से मिला मैंने और मैं बोला सर मुझे एक्टर बनना है, और अभिषेक सर करके छोड़ दिया. फिर मैं गया वेट निकाल के, पढ़ाई, एक्टिंग की पढ़ाई करके वापस आ गया. आई टोल्ड हिम सर हाय करण, कल ऑफिस आ जाना. तो मैं आया था यहाँ पे और ऑडिशन सेट था और मुझे पता नहीं था, मुझे लगा सर कुछ एडी करने बुला रहे हैं शायद, या कुछ दिखाने दे रहे हैं, मतलब पता नहीं मुझे, लाइक मे बी वॉन्टेड माई ओपिनियन ऑन समथिंग. एंड आई गेव माई ऑडिशन और सर ने बोला करण पार्ट आपका है. आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन, आई डोंट टेक माई डैड सर, आई वॉन्ट टू अर्न इट. तो ये अर्न किया मैंने. And then when I found out Pawan sir was on the project, वो बचपन का सपना है मेरा कि एक दिन पवन सर के साथ काम करना मिलेगा. तो I was immediately, and this is the special part about our film, पवन राज मल्होत्रा. तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ में काम करने का? मैं बहुत खुशनसीब हूँ, आई एम सो लकी एंड सो ब्लेस्ड. वो एक इतने अच्छे एक्टर हैं, इतने एक्सपीरियंस है उनके पास, कि जब मैं सीन कर रहा हूँ उनके साथ, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं बस रिएक्टिंग कर रहा हूँ. क्योंकि ही गिव्स यू सो मच, ही सो टैलेंटेड एंड सो इन की, ही गिव्स यू सो मच, आपको बस रिएक्ट करना है. एंड ऑफ द सेट ऑल्सो इज हेल्प मी अ लॉट, कि करण यू नो व्हेन आई फाउंड डिफिकल्ट सीन्स, तो शॉर्ट्स के बीच में आके मुझे एडवाइस देंगे. सो आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल टू पवन सर, उनके बिना ये पहला प्रोजेक्ट और मुश्किल रहता. बहुत सारा था, मतलब एक इंस्टेंस मुझे याद है, मैं और सिद्धांत जो हिमांशु का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, हम लोग
चेस सीक्वेंस कर रहे हैं और पहले ही टेक में मेरा पैर मुड़ गया पहले ही टेक पे, और मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं बताऊँगा नहीं किसी को कि मैं वो शॉट ख़त्म करना था। मैं बोला यार सिद्धांत किसी को बताना मत, मैं उसका ऐसे पकड़ के मैं अंदर चुपचाप ऐसा जाता था। फिर शॉट के टाइम सोचना नहीं भागो, सो कुछ 4 घंटे भागे उसके बाद। फिर पार्टी था उस रात में, बोला मैं नहीं आ पाऊँगा सॉरी रूम में बैठा पैर ऊपर कर गया ऐसा। और हाँ और फिर एक बार दिशांक जो अजय गोंडसे का कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो उनके यूनिफॉर्म में थे और हम दूसरे गाड़ी में थे, तो वो आगे था और वो गाड़ी को रोक रहा है यूनिफॉर्म में, बोला लाइसेंस दो, ऐसे ही किसी को भी रुका रहा है वो रास्ते पे। फिर पवन सर आके उसको पीट रहा है तो मैं सोचा था यार अगर बाहर से कौन देखेगा तो ही थिंक दैट हु इज दिस गाय बीटिंग अप अ कॉप। या देयर वर लॉट ऑफ फन टाइम्स। एंड अगर सेट पे देखा जाए तो स्ट्रिक्ट कौन होता था सबसे ज्यादा, अभिषेक सर और पवन सर? स्ट्रिक्ट कौन होता? अभिषेक सर, नो क्वेश्चन, बहुत स्ट्रिक्ट। एज इट्स योर डेब्यूट फिल्म सो कुछ प्रेशर हम महसूस करें, क्योंकि एज एन ऑल्सो यू आर अ सिंगर सन ऑफ हरिहरन एज ऑल्सो ही इज अ ग्रेट सिंगर। वेल देयर इज ऑलवेज प्रेशर, वेदर आई डोंट थिंक द प्रेशर विल गो इफ इट्स द फर्स्ट फिल्म और द 100th फिल्म। I care a lot about my acting. When it comes to me being dad's son, again, khushnaseeb, I'm very lucky to be his son. I cannot tell someone, don't look at me as Hariharan's son. Main nahi keh sakta, because I am his son and I'm proud of it. But it is my first film. I'm acting, I'm not singing. I want to be an actor. And I hope the public will support me in my journey. And aapki duaein hai toh phir मैं कर सकता हूँ। जी नहीं बोला आपने कि मतलब कि यार कि फिल्म में ये गाना गा दो पापा? नहीं, मैं पापा से मदद नहीं मांगता, आदत है मेरी, बुरी आदत है पर आदत है। फिल्म के लोकेशन के बारे में जानना चाहेंगे, लोकेशन काफी पोस्टर में तो काफी मैग्निफिसेंट नजर आ, लेकिन फिर भी आपसे कुछ जानना चाहेंगे कहाँ कहाँ शूट हुई है? गोवा, मोस्ट ऑफ द फिल्म इज शॉट इन गोवा ड्यूरिंग द मानसून, तो बहुत हेक्टिक था, तो भी कोई बारिश शुरू हो गई तो फिर क्या करें। तो उस दिन शॉट में हम वैनिटी में रुक रहे हैं, बंद हो गया भागो 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 करके शुरू हो गया शॉट, तो इट वाज फन। गोवा में एक वाइब रहता है, एक एनर्जी रहता है वहाँ, लॉट ऑफ बहुत पॉजिटिविटी है गोवा में, एंड पीपल आर ऑल्सो वेरी नाइस, दे डोंट गेट इन द वे ऑफ पीपल शूटिंग एंड ऑल, दे वर वेरी हेल्पफुल, तो मज़ा आया वहाँ पर शूट करना। I relate with him on many levels. He's respectful. He's reserved. But there are many things with him I don't relate to also. हम सब दोस्त हैं, वो आपको पिक्चर में भी दिख जाएगा। सो करण, आर यू सिंगल और? आई एम सिंगल। एनी प्लान टू गेट इन रिलेशनशिप? आई डोंट नो, दोस काइंड ऑफ थिंग्स यू डोंट प्लान फॉर, आई गेस। या इट हैपेंस, यू डोंट प्लान फॉर कल मुझे मैं को रिलेशनशिप में, ऐसा नहीं होता। अगर हो जाए तो गुड, इफ इट डजंट हैपन इट्स नॉट समथिंग आई चूज, इट हैज टू हैपन। So, do you think can this film create a magic on box office for you, for your career? I don't know about that. I feel I'm optimistic, but I feel it's not about me. It's about the film. Mere liye pehle picture pehla aayega, jab bhi film comes first. Main aisa hi hoon. Main hero hoon, main lead hoon. Aisa sab nahi sochta main. I'm happy. I'm acting. It is my dream to act. Aur agar public hamare saath de to then nothing like it, you know. And I hope they do. I hope they enjoy the film. We worked really hard on it.
we've been humble with ourselves and honest with ourselves while working on it. And I hope they see that. आपको राइटर से पूछना पड़ेगा अभिषेक सर से उन्होंने भी चूज किया है he felt it was from what I know he felt that it encompasses what we want और हाँ पिक्चर के लिए एक पेट नेम भी है वीकेंड मतलब एक वीक की फिल्म है कि मतलब किस उसके बारे में 48 hours जी हॉलीवुड में भी एक फिल्म आई थी इसी तरह की तो कॉपी है फिर कुछ नहीं इट्स नॉट अ कॉपी इट्स एन ओरिजिनल प्रोडक्ट इट्स दो साल पहले कुछ गोवा में कुछ हुआ था ऐसा कुछ नॉट ऐसा कुछ नहीं था कि सात लोग मिसिंग हो गए पर देयर वर अ फ्यू केसेस एंड अभिषेक सर वाज इंस्पायर्ड बाय दोस केसेस एंड ही ये पूरी फिक्शनल है होल फिल्म ही वाज इंस्पायर्ड बाय दोस केसेस एंड ही इज रिटन द फिल्म इस तरह की और भी फिल्म आ चुकी हैं जो गोवा में जाके ऐसे मतलब शूट की गई हैं एंड उसमें मिसिंग केस तरीके की और भी फिल्में हैं सो आप इस फिल्म को कितना अलग देखते हो उस फिल्म से उन फिल्मों से एवरी फिल्म इज डिफरेंट फिल्मों में जो किरदार हैं वो अलग हैं जो सेटिंग है वो अलग है इट इज़ द सेम जॉनर बट इट्स नॉट नेसेसरीली द सेम फिल्म एंड आगे चल के कोई और सिंगिंग का कोई प्लान है आपका कि सोचा था कभी कि मतलब एक्टिंग करनी है कि अब सिंगिंग के साथ एक्टिंग कम्स फर्स्ट ऑलवेज सो सिंगिंग मे बी अगेन आई डू सिंग मैं गिटार बजाता हूँ पियानो बजाता हूँ पर Yeah, it's up to God, I guess, with singing. Maybe one day I will, but for now I'm really focusing on my acting. And film mein agar baat kari hai to kitne songs hai film mein? 4 songs hai film mein. Barry just recently released ho gayi hai. So please check out Barry online on YouTube. So film mein kuch dance karte nazar aayenge? Ji, Barry mein hai. So check it out. So which was more easier for you, dancing or acting? Naturally, acting. I've studied acting. But dancing is not something foreign to me. I also dance. I do 6 different martial arts. So boxing, kickboxing, MMA, Tai Chi, Wing Chun, Capoeira. So it's again rhythm, which is music, and control of the body, which comes from martial arts. And Capoeira is dancing. So yeah, but acting is more challenging for me because in the film there's more of it. Dancing, kya hota hai? You have choreography, you have rehearsal. It's a little easier. You get, you know, to get into it. But acting is what I love. So, dad ko film dikhaya aapne? Maine nahi dekhi ab tak. Sachi bata raha hu. Sir ne dikhaya nahi ab tak. So, no one has watched the film yet. We're looking forward to it. Sir is playing some prank. And then, जैसे कि इसमें प्राची दसा की सिस्टर भी इसमें पहले इसमें एज अ लीड उसमें काम कर रही थी फिर उन्होंने आधी छोड़ दी इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे नो कमेंट I don't know. It's something that I'm not related to. I don't know enough information for me to comment on it, and it's not my place. Any other projects lined up? Yeah, my next project is an action film, but it's too early for me to tell you any more details. Okay, thank you. Thank you.